हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हाल ही में आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म्ड है कि वो आपको बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। उसकी जो लॉन्च डेट है वो है 12th of June, और जिस फोन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है Redmi K50i। हाँ दोस्तों, Redmi K50i काफी ज्यादा रूमर्स और लीक क्रिएट कर चुका है इंडियन मार्केट में। तो हम आपको बताएंगे सारे इसके स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस रेंज में आएगा, कब लॉन्च होगा, क्या सारे स्पेसिफिकेशन है, वो सारी बातें। तो यार वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी लेटेस्ट अपकमिंग फोन की अपडेट मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अपर सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑल इन वन अप एंड अप। तो यार रेडमी के जो फोन है वो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर। ये जो फोन है रेडमी का K50i, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा अमेजिंग स्पेक्स और काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स और कैमरास देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि इस फोन को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम डिस्कस करते हैं इस फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल में। तो यार सबसे अच्छा और सबसे शानदार चीज इस फोन के साथ जो है वो है, इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 12 आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो MediaTek का Dimensity 8100 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2.85 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में आएगा दोस्तों। यही नहीं, इस फोन का मिनिमम 6GB रैम वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, 8GB रैम वेरिएंट उसके बाद होगा। तो यार ये दो वेरिएंट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.6 इंच जिसकी IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के साथ में आएगी दोस्तों। वहीं पे ये जो स्क्रीन है ये आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देगी। तो यार 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यार रिफ्रेश रेट के हिसाब से तो ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गेमिंग के लिए फोन अच्छा हो सकता था, बट यार यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा गलत लग रही है मुझे स्पेशली, वो ये है दोस्तों कि यार IPS डिस्प्ले देखने को मिल रही है, प्रोसेसर है आपके पास MediaTek का Dimensity 8100। तो यार गेमिंग के लिए वो प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है जितना स्नैपड्रैगन होता। तो यार अगर इतनी अच्छी रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन आप दे रहे हो तो आप यहाँ पे स्नैपड्रैगन दे सकते थे, ताकि ये फोन गेमिंग के पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा बन जाए। इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, बट यार अगर आप कोर गेमर हो तो इस फोन को मत लेना, क्योंकि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वहीं स्पेसिफिक अगर कैमरा के बारे में बात करूँ तो बैक साइड पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 64MP का ऑफ फॉलोड बाय 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP मोनो और LED फ्लैश आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों, उसके बारे में अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरा मानना है कि इस फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं फ्रंट के बारे में बात करें यानी सेल्फी कैमरा के बारे में, तो सेल्फी में आपको एक 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों से ही आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वही बैटरी के बारे में बात करें तो 4400mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 67W फास्ट चार्जर के साथ में आएगी दोस्तों। तो बैटरी काफी ज्यादा अच्छी है, कैमराज काफी ज्यादा अच्छे हैं, डिस्प्ले ओके है, जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से डिस्प्ले नहीं है, जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से प्रोसेसर नहीं है, दोनों में से कोई सी बात आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कब लॉन्च होगा, तो 20 जुलाई को ये लॉन्च होगा, अमेजोन पे डल चुका है, आपको वहाँ पे सेल दिख जाएगी 20 जुलाई को, ये स्पेसिफिक वहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास प्राइस रेंज रहने वाली है, वैसे शायद कार्ड वार्ड लग के ये आपको 20,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा जितना मुझे उम्मीद है। तो यार यही सारी बातें थी इस Redmi K50i के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस फोन को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, आपको कौन सी चीज़ इस फोन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना। सो आज की वीडियो में बस यही था, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।